गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल स्टेट पॉइंट 95 में। देखिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए जो यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो पेपर कराया जा रहा है 1 अगस्त को एग्रीकल्चर का, तो उसका हम यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। तो इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 नंबर तक लगा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो पर आकर सबसे पहले उनको देखिए, उसके पश्चात प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाइएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, ये बहुत सारे मतलब जितने भी हैं यहाँ, इसमें हम लोग एग्रीकल्चर के जो 60-80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं तो उनको यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, जो 80 क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, एक तरह के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये इससे पहले बता दें आप लोगों को कि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसके ये प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें कुल 10 सेट हैं, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो इनको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 5 हो चुके हैं, इसमें से आज हम लोग 6ठा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक बहुत ही जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो मारमलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है। तो देखिए, मारमलेड क्या होता है, मारमलेड एक तरीके की जैम की तरह होता है ये मारमलेड। तो इसके बनाने के लिए कौन सा, जो नींबू वर्ग के जितने भी होते हैं प्लांट, तो वो उपयोगी होते हैं। तो इसमें नींबू वर्ग का कौन है, ऑप्शन है देखिए, सावर ऑरेंज, अमरूद, पपीता, कटहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सावर ऑरेंज, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नर फूलों का अनुपात वाली मतलब आमलों की किस्म कौन है। तो नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन है कृष्णा, कंचन, ठीक है, NA6 और NA9। देखिए, सारी जो प्रजातियाँ हैं ये आंवले की ही हैं, तो ये आप लोग तो याद ही कर लीजिए। और अगर इसमें पूछा जाए कि जो उच्च मादा नर फूलों वाली अनुपात कौन सा है, तो उच्च मादा नर फूल वाला अनुपात इसमें NA6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी NA9 हो जाएगा, इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो फूल गोभी के तने में खोखलापन हो जाता है, ठीक है, तो ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बोलते हैं उसको, ब्राउनिंग डिसीज, तो किसके कमी से हो जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है बोरान की कमी, जस्ते की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी, या फिर तांबे की कमी। देखिए, बोरान की कमी से हो जाता है ये रोग, तो ये काफ़ी फेमस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फूल गोभी में एक रोग होता है, उसको बोलते हैं विप्टेल, ठीक है, विप्टेल, तो ये किसके कमी से होता है, यहाँ पे एल होगा, विप्टेल, तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से हो जाता है, ये भी फूल गोभी में ही होता है। और ये जो ब्राउनिंग डिसीज होता है, ये भी फूल गोभी में ही होता है, तो ये बोरान की कमी से होता है, ठीक है। एक जो बुरान की कमी से और होता है, वो चुकंदर में, उसको बोलते हैं हार्ट रॉड, ठीक है, तो ये किस में होता है, चुकंदर में होता है, ये भी बुरान की कमी से ही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन है पालक, ब्रोकली, ठीक है, या फिर एस्पारागस, या फिर सेलरी। तो देखिए, जो फोलिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा हरी सब्जी हो, जितनी भी हरी सब्जी होती हैं उसमें फोलिक एसिड बहुत पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पालक, ठीक है। हरी सब्जी तो ये भी है ब्रोकली, लेकिन पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पालक सबसे ज़्यादा हरी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, जो अनानास होता है उसमें उकठा रोग हो जाता है, तो किसके कारण होता है उकठा रोग, तो ये उकठा रोग जो है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, या फिर MLOs, तो ये किसके कारण होता है, जो उकठा रोग है, तो उकठा रोग मेनली वायरस जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इस जौ की कौन सी प्रजाति जो है नेमेटोड अवरोधी होता है, तो जौ की प्रजाति पूछी गई, और ऑप्शन है रत्ना, ज्योति, राजकरण, या फिर करण 19। देखिए, जौ की जो नेमेटोड अवरोधी प्रजाति है उसका नाम क्या है, राजकरण, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजकरण, ठीक है। और जो ज्योति है वो सिंचित क्षेत्रों में उपजाई जाती है, और जो रत्ना है वो असिंचित क्षेत्रों में उपजाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो एक करण 19 है, ये छिलका रहित जो होता है, तो ये संकर प्रजाति है जो कि, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूँ जो होता है, अधिक उपयुक्त किसके लिए, तो देखिए, ये मैक्रोनी गेहूँ होता है जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे कम वाटर होता है, तो उन क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूर्णतः सिंचित परिस्थितियों में, तो ये गलत हो गया, ठीक है।
दायरा लैंड कंडीशन, तो ये भी गलत हो गया। शुष्क परिस्थितियों में ड्राई लैंड कंडीशन, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राइट इसका क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, जीरो ट्रिल वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली यूज इन फ्रैक्चर इनोवेशन इन द, देखिए जीरो ट्रिल के प्रथम सफलतापूर्वक जो है चारा का सुधारने के लिए प्रयोग किया गया, तो किसके द्वारा। देखिए जीरो ट्रिल होता क्या, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जीरो ट्रिल एक तकनीकी है जिसमें जो बिना खेत को जो है बिना जुताई के ही उसमें बीज बो देते हैं, तो वो मतलब जल्दी से तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए धान का खेत है, धान की फसल कटने से पहले ही उसको जुताई से पूर्व उसमें गेहूं के बीज बो देते हैं और गेहूं तैयार हो जाता है, तो उसको जीरो ट्रिल तकनीकी बोलते हैं। ये इसमें होता क्या, अगर जैसे टाइम कम बचा होता है तो ऐसी तकनीकी अपनाने से किसानों को 7 से 8-10 दिन का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, 7 से 10 दिन की बचत हो जाती है। तो इसका सबसे प्रथम खोज मतलब सबसे पहले इसको चारा का क्षेत्रों को सुधारने के लिए यूज किया गया था यूएसए में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिटक देना, तो किसका उदाहरण है। देखिए खड़ी फसल में अगर बरसीम के बीज छिटक देना, यानी कि यहाँ पर फसल कट नहीं पाई है, दूसरी फसल बो दी गई है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये रिले क्रॉपिंग होती है ये। ठीक है, यानी कि एक फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल बो देना, फिर ये फसल कटने से पहले ही दूसरी तीसरी फसल बो देना, तो रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये सब हम आप लोगों के लिए वीडियो में पढ़ा रखा है, स्टडी मटेरियल के वीडियो में। आप लोग जाकर क्रॉपिंग सिस्टम उसका वीडियो का नाम है, आप लोग देख सकते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट है, कनोला प्रजाति किससे संबंधित है। ऑप्शन है अलसी, सूरजमुखी, कुसुम या सरसों से। तो देखिए कलोना जो है सरसों की प्रजाति है, ये काफ़ी फेमस प्रजाति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है। पूर्वा ऑप्शन है मक्का की, ज्वार की, गेहूँ की या फिर धान की। देखिए पूर्वा हाल ही में मतलब धान की नवीनतम प्रजाति है ये, इसको सॉरी गेहूं की नवीनतम प्रजाति है पूर्वा। इसको क्या बोलते हैं, इसको HD 2824 भी बोलते हैं। ठीक है, 2824 इसको कब विकसित किया गया था, तो इसको 2004 में विकसित किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो मृदा में गंधक की कमी से, गंधक की कमी होती है जब उसका स्तर कितना हो जाता है। तो मृदा में गंधक की कमी ऑप्शन है 15 से 20 PPM, 12 से 14 PPM, 11 से 13 PPM या फिर 8 से 10 PPM। देखिए जब 8 से 10 PPM जब बढ़ता है, ठीक है, तब मृदा में गंधक की कमी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, तंबाकू की शीर्ष बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन है बोरान की कमी, मैग्नीज की कमी, कॉपर की कमी या फिर मॉलिब्डेनियम की कमी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरान। जब बोरान की कमी हो जाती है तो जो तंबाकू का टॉप सिकनेस इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में टॉप सिकनेस, तो ये हो जाता है तंबाकू में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, टॉप सिकनेस। और जो अभी हमने आप लोगों को और बताया था कौन, ब्राउनिंग डिसीज ऑफ, अब जो हॉलेश जो फूल गोभी में ब्राउनिंग डिसीज हो जाती है, वो भी बोरान की कमी से ही होती है। ठीक है, अगर मॉलिब्डेनियम की कमी से, हमने आप लोगों को क्या बताया था, मॉलिब्डेनियम की कमी से जो फूल गोभी में होते हैं उसमें विप्टेल रोग हो जाता है फूल गोभी में, विप्टेल, तो ये मॉलिब्डेनियम की कमी से होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो गेहूं में खैरा हो जाता है, धान में खैरा रोग, वह जिंक की कमी से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, गन्ने का जो है प्लाहा ब्लास्ट, ठीक है, प्लाहा ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज कॉज बाई फंजाई बैक्टीरिया डिफिशेंसी ऑफ मैग्नीज या फिर नन ऑफ द एबो। तो देखिए यहाँ पर फ्लाहा ब्लाइट डिसीज शुगर केन में किसका कारण हो जाती है, तो वो जो है मैग्नीज की कमी के कारण हो जाती है। आप लोग याद रखिएगा, गन्ने में फ्लाहा ब्लाइट मैग्नीज की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, गन्ने में एक आप लोगों ने देखा होगा कि लाल रंग की सड़न हो जाती है बीच में, तो वो किसकी कमी से होता है, गन्ने में लाल सड़न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड रॉट, तो ये फफूंद के कारण होता है, फंगस। फफूंद का नाम क्या है, तो फफूंद का नाम है कोलेट्रिकम, ठीक है, फालकेटम, तो ये है इसका नाम। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉप है, यहाँ पर उसके खरपतवार हैं, जैसे गेहूँ में फेलेरिस माइनर, तो ये बिल्कुल सही है, इसको गेहूँसा बोलते हैं। मक्का में आरोबंकी, तो ये गलत है। ठीक है, आरोबंकी मक्का में नहीं पाया जाता है ये खरपतवार। ठीक है,
और बाकी ये सही है, ज्वार, स्ट्राइगरा, बरसीम में कासनी, तो ये भी सही है, बरसीम में कासनी हो जाता है। लेकिन औरबंकी जो है, यह एक पूर्णतः मतलब रूट पैरासाइट है जो कि तंबाकू, मिर्च, बैगन इनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैविक खेती के लिए, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करना, या फिर फसलों के उत्पादन की लागत में कमी करना, या फिर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, या फिर फसल उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो देखिए, इसमें रासायनिक उर्वरकों की जो है निर्भरता को कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखना है यहाँ पर, राई यानी कि मस्टर्ड, तो इसकी प्रजाति वरदान है, तो बिल्कुल सही है। बैंगन की आज़ाद हाईब्रिड है, ये भी सही है। टमाटर की रश्मि, तो ये गलत है, टमाटर की रश्मि शायद नहीं होता है, मक्का की सोना, नहीं टमाटर की रश्मि होता है पर मक्का की सोना नहीं होता है। सोना किसका होता है? धान की प्रजाति होती है। ठीक है, धान की है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी, चूँकि यही मिसमैच है तो यही आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट है, रशियन जॉइंट किस फसल की प्रचलित प्रजाति है? तो रशियन जॉइंट, तो ऑप्शन है बरसीम, जौ, लोबिया चारा, या फिर जई की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लोबिया चारा जो होता है, ठीक है, कॉपी फोडर, तो उसकी प्रचलित प्रजाति है रशियन जॉइंट, इसको आप लोग याद रखिए, ये हरे चारे के रूप में यूज होता है ये। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्बनिक खादों में मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात किसमें न्यूनतम होता है, ये पूछा गया है। बायोगैस, सिलरी, या फिर गोबर की खाद, या फिर कंपोज, या फिर मूंगफली की खली। तो सबसे ज़्यादा जो है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात सबसे कम किसमें होता है, एक सेकेंड, सबसे कम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है मूंगफली की खली में होता है। यह कितना पाया जाता है? तो ये 5:1 पाया जाता है। अगर अगर नॉर्मल सॉइल की बात करें, मिट्टी में कितना होता है? 12:1। और अगर ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस में कितना होता है? तो 10:1। ठीक है, खनिज मिट्टी में कितना होता है? खनिज में भी 10:1 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, FIM में कितना होता है? FIM में ये होता है आपका 20:30:1। पढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वारालक्ष्मी किसकी संकर प्रजाति है? ऑप्शन है धान की, कपास की, बैंगन की, या फिर सरसों की। तो वारालक्ष्मी किसकी प्रजाति है? तो वारालक्ष्मी कपास की प्रजाति है। ठीक है, वारालक्ष्मी और कपास की अन्य प्रजातियाँ भी हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। H4 गोदावरी, ठीक है, और कौन कौन सी? सावित्री, तो ये भी प्रजाति है। ठीक है, किसकी? कपास की, आप लोग याद रखिएगा, संकर प्रजाति हैं दोनों, ये सारी संकर प्रजातियाँ हैं तीनों, वारालक्ष्मी, ठीक है, H4 गोदावरी और सावित्री। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है गोल्डन राइस का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये काफ़ी इजी है, और विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज़्यादा उसमें। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना है यहाँ पर, कौन सा सही सुमेलित है। देखिए मक्के में आइसोप्रोटान, तो मक्के में आइसोप्रोटान नहीं, यहाँ पर एट्राजीन होता है, तो ये गलत सुमेलित है। मूँगफली में ब्यूटाक्लोरोल, तो ये भी गलत है, ब्यूटाक्लोरोल जो है धान में होता है, एट्राजीन धान में, तो ये भी, ये बिल्कुल सही है, सॉरी गन्ने में एट्राजीन, और अरहर में सिमाजिन, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गन्ने में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मक्का, आलू, गेहूँ की फसल चक्र पद्धति में गहनता यहाँ पर देखना है। एक फसलें कितनी हो गई? 3 फसल, और कितने ईयर में ये उगती हैं? तो एक साल में उगती हैं अपॉन 100, ऐसे हम लोग क्रॉप डेंसिटी निकालते हैं, टोटल क्रॉप अपॉन टोटल टाइम इंटू 100, तो ये आप लोग इसको करिए, कितना आएगा ये? 300% निकल के आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, मालविका 305 प्रजाति किसकी है? सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मालविका 305 ये किसकी प्रजाति है? तो ये कुसुम की प्रजाति है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, मालविका 305, और वह कुसुम की जैसे वरुड़ा हो गई, रोहिणी, वरदान, वैभव, सेखो, शेखर, ठीक है, कृष्णा, पूसा, जय किसान और दुर्गा मणि, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सूरजमुखी की अगर प्रजातियों की बात करें तो ज्वालामुखी, मार्डन, मंजिरा, मार्डन, ठीक है, ड्वार्फ, सनराइज, सिलेक्शन और BHS BSH 1D, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा जो है हर्बिसाइड डाला जाता है? तो दलहनी फसलों में
मतलब क्या पूछा गया है यहाँ पर, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से जो हर्बिसाइड की संतुष्टि की जाती है, तो कौन सा डाला जाता है? ऑप्शन है आइसो पर्टोजुरान, तो ये देखिए अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया आइसो पर्टोजुरान किसके लिए होता है, तो ये गेहूं के लिए होता है। पेंडी मेथिलीन, तो यही इसका राइट आंसर है, पेंडी मेथिलीन 3.3 लीटर। ठीक है, एट्राजिन ये किस में होता है, ये गन्ना और धान के लिए होता है, सॉरी गन्ना और मक्का के लिए होता है एट्राजिन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, इसका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, नहरों तो उससे सिंचाई होती है, या फिर प्रफुल्ल के समय और बाद में अच्छी धूप मिलती है, या फिर उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा कितनी चाहिए धान के खेत के लिए, 140 सेंटीमीटर, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित प्रांतों में जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन है भारत सरकार, राज्य सरकार, डॉक्टर बी पी पाल, या फिर डॉक्टर आर बी क्यूमिंस, तो डॉक्टर आर डब्ल्यू क्यूमिंस इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो है मतलब प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालय बनाने की अनुशंसा की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इनके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 1962 में, तो इन्होंने अनुशंसा करी थी, तो इसके पश्चात 1966 में जो है प्रथम एग्रीकल्चर कॉलेज बनने लगे थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये यहाँ पे पहचानना है, यहाँ पे पत्रिका है, यहाँ पर उनकी मतलब प्रकाशन अवधि है, तो खेती नामक पत्रिका मानसिक रूप से बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र भी मानसिक, और गौ संवर्धन ये मानसिक रूप से नहीं प्रकाशित होती है, ये गलत है, और बाकी फल फूल ये भी मानसिक रूप से होती है। देखिए यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के होती कुरुक्षेत्र, और एक और मैगजीन आती योजना, तो अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही नई दिल्ली से प्रकाशित की जाती है। अगर यहीं पे एक कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो यूके में है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, यही है। ठीक है, पंतनगर, तो इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पत्रिका का नाम है किसान भारती। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षार्थी और यहाँ पर स्मरण धारिता के बात की गई है। देखिए जो वे जो पढ़ते हैं तो उसकी उनकी स्मरण धारिता 70% होती है, कौन सा सही सुमेलित नहीं ये देखना है, वे जो पढ़ते हैं उनकी 70%, ये गलत है, उनकी 10% होती है, यही पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो सुनते हैं उनकी 20% होती है, बिल्कुल सही है, जो देखते हैं उनकी 30% होती है, ये भी सही है, और जो देखते हैं और सुनते हैं उनकी 50% होती है, और जो प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं तो उनकी 90% होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये गलत है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है सही सुमेलित, मतलब जो सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है, यहाँ पर संपर्क विधि और यहाँ पर शिक्षण विधि। ठीक है, अप्रोच और शिक्षण विधि, देखिए जो व्यक्तिगत होते हैं वो परिणाम प्रदर्शक, यही गलत है, यही सही मैच नहीं है। ठीक है, बाकी मास जो सिनेमा होता है वो मास लेवल पर इम्पैक्ट डालता है, दूरदर्शन भी मास लेवल पर, और फ्लैश कार्ड ये समूह लेवल पर, लेकिन जो व्यक्तिगत होते हैं वो परिणाम प्रदर्शक, ये गलत है। व्यक्तिगत जो टूल्स होते हैं उनमें क्या जाएगा, जैसे घर और खेत में पर मिलना किसानों से, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र, टेलीफोन पर बढ़ता, ठीक है, प्रमाण प्रदर्शन वगैरह ये इसमें नहीं होता है शायद, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन है ICAR, ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश सरकार, या फिर CACP यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयुक्त, ये इसका राइट आंसर यही है CACP। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है KGK हैज बिन, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाई, तो देखिए ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक है, कृषि ज्ञान केंद्र, तो ये भारत सरकार या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसी के द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं, चूँकि इन्हीं के द्वारा इसके द्वारा यानी कि एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो MS मेहता थे, तो MS मेहता के द्वारा ही सर्वप्रथम इसकी अनुशंसा की गई थी, और ये 1974 में पहला कॉलेज जो है खोला गया था, सॉरी पहला जो है कृषि ज्ञान केंद्र खोला गया था, कहाँ पर, पांडुचेरी में, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी बार अलग से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है प्रसार प्रतिनिधि क्या है,
जनसेवक है या फिर व्यक्तिगत सेवक है या प्रजातांत्रिक समूह या फिर चयनित समूह का नेता, तो देखिए ये पब्लिक सर्वेंट होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सरकार की ओर से जो है लोगों को मतलब इसकी जो उनके लिए जो इस लाभकारी स्कीमें होती हैं उनको उनके बारे में मतलब उनको जागरूक कराता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी है और सम्मिलित है। सामूहिक चर्चा तो किस में सम्मिलित है, व्यक्तिगत संपर्क में, तो गलत है। समूह संपर्क में, ये बिल्कुल सही है, ग्रुप अप्रोच में आ जाएगा, ठीक है। सामुदायिक संपर्क में ये नहीं आएगा और विराट संपर्क में भी नहीं आएगा, इसमें तो सिनेमा दूरदर्शन वगैरह आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन है विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट या फिर मंडल लेवल या फिर विलेज ब्लॉक तहसील लेवल या फिर तहसील डिस्ट्रिक्ट या मंडल लेवल। तो देखिए ये त्रिस्तरीय क्या होती है, विलेज फिर ब्लॉक फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है, फिर उसके बाद विलेज लेवल होता है। बढ़ते नेक्स्ट है, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन है पुणे में, नासिक में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। देखिए जो अंगूर का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे, पुणे में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर और भी बात करें तो अगर आप लोग बनाना का देखें, बनाना का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये तिरुचनापल्ली में है, ठीक है, तमिलनाडु के। और अगर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का अगर पूछा जाए अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये जूनागढ़ में है, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। बढ़ते नेक्स्ट है, विश्व मौसम वेधशाला यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है। ऑप्शन लंदन, न्यूयॉर्क, रोम या फिर जिनेवा, तो ये रोम में। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, WMO, तो ये कहाँ है, ये जिनेवा में। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है। ऑप्शन है रेनगेज, तो इससे तो बारिश नापी जाती है, पायरानोमीटर, यही सही है, ठीक है, हाइड्रोमीटर ये नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फसल की निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा व्यवहार करती है। ऑप्शन है जैविक कारक, अजैविक कारक, उपयुक्त दोनों, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है धान का नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, लैम्पिडेक्स बाइटिकस, ये धान का कीट नहीं है, बाकी सारे हैं। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा साइज ओमेलिथ नहीं है। ऑप्शन है राई, यहाँ पर कीट है, ठीक है, मस्टर्ड का कीट, माहू, तो ये बिल्कुल सही है, मस्टर्ड में देखिए माहू माहू होता है, और आरा मक्खी जो होती है वो भी यहीं मस्टर्ड में होती है, ठीक है। मूँगफली में सफ़ेद गिटार यानी कि वाइट गर्भ, चना में आरा मक्खी, ये गलत है, आरा मक्खी कहाँ होती है, ये भी राई में मस्टर्ड में होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 41 का सी। अगर चने के पूछा जाए तो चने में जो चने में सूडी सूडी नामक होता है वो होता है चने का सूडी और चने का कटुआ, ये दो कीट उसमें पाए जाते हैं चने में, और आरा मक्खी राई में, और माहू भी राई में होता है। बढ़ते नेक्स्ट, मूँगफली में सफ़ेद गिटार होता है, गन्ने में पायरीला, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कीट संख्या का घनत्व, कीट संख्या घनत्व मतलब जिस पर कीट नियंत्रण उपाय करना जरूरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ETL, यानी कि ETL का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाता है कीटों की संख्या घनत्व, तो उनका उपचार आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर ये है इकोनॉमिक इंजर्ड लेवल, तो यहाँ पर तो कीट नुकसान पहुँचाने लगते हैं, तो उनका अगर उपचार करना है तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर ही कर देना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक कीटनाशी है। दैहिक कीटनाशी वो कौन से होते हैं, मतलब जिनको अगर पेड़ पर छिड़क देते हैं तो पेड़ उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और पेड़ के पूरे बॉडी में यानी कि पूरे प्लांट में वो मतलब के वो जो है कीटनाशी पूरे प्लांट में फैल जाता है, तो कौन कौन से होते हैं, पैराथियन, मेलाथियन या फिर कार्बेलिन या फिर कार्बोफ्यूरान, तो ये कार्बोफ्यूरान होता है इसका राइट आंसर। और ये जो ये हैं ये क्या होते हैं, ये सीधे मतलब प्लांट मतलब ये कीट के जब बॉडी पे पड़ते हैं तो मतलब कि प्रभावकारी होते हैं, और ये प्लांट पर ही प्रभावकारी हो जाता है, तो कार्बोफ्यूरान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट कीटनाशी, और ये जो है सिस्टेमिक कीटनाशी है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग किसमें होता है, तो एंटीफिडेंट के रूप में या फिर रिप्लेंट के रूप में या फिर टॉक्सिकेंट के रूप में या फिर एंटीडॉट के रूप में, तो इसका यूज होता है एंटीडॉट के रूप में, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। तो ऑप्शन है
क्विनॉल फॉस, ठीक है, डेमेथ्रोस डाइमिथोएट, या फिर एंडोसल्फान, या फिर फासेलिन। तो देखिए एंडोसल्फान होता है, ठीक है, एंडोसल्फान को डालने से जो है, जो जिन पौधों पे जो मधुमक्खी हैं पराग लेने आती हैं, अगर उन पौधों पे हम लोग एंडोसल्फान डालते हैं तो वहाँ पे मधुमक्खियों के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है एकार्लसाइट्स, ये क्या होता है, ठीक है, एकेरिसाइट्स। तो इसका उपयोग किसको नष्ट करने के लिए होता है, ऑप्शन है चूहो, या फिर माइटस, या फिर चिड़िया, या फिर खरपतवार। तो देखिए चिड़ियों के लिए जो होता है उसको एबियासाइट बोलते हैं, इसको वीड वीड साइट बोलते हैं, इसको रोडेंटोसाइट बोलते हैं। लेकिन जो माइट्स होते हैं, यानी कि जो दो तिलचट्टा या फिर जो जू वगैरह होते हैं, तो उनके लिए जो यूज होता है वो एकेरिसाइट्स उनको बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट है ग्रासी सूट रोग प्रायः किस फसल से संबंधित है, ऑप्शन है आलू, गन्ना, कपास, या चुकंदर। तो ग्रासी सूट रोग ये किस में होता है, तो गन्ने में होता है। इसमें होता क्या है, गन्ना जो है ग्रास के तरह हो जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, और गन्ना ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, उसकी पत्तियाँ भी जो है ग्रास की तरह हो जाती हैं, इसलिए उसको ग्रासी सूट रोग बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट है मूँगफली में टिक्का रोग किसके द्वारा फैलता है, ऑप्शन है जीवाणु, फफूंद, या फिर निमेटोड, या फिर वायरस। तो देखिए मूँगफली का जो टिक्का रोग होता है, टिक्का रोग, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, तो ये आप लोग याद रखिएगा, टिक्का रोग होता किस में है, तो ये मूंगफली में होता है। अगर ये यही बात की जाए कि ये टिक्का रोग किसके कारण होता है, तो ये जो है फफूंद के कारण होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो उसमें एक फफूंद के कारण और होता है मूंगफली में रोग, ये तो होगा टिक्का, एक होता है चारकोल रोग, ठीक है, चारकोल डिसीज। तो चारकोल डिसीज ये भी किसके कारण होती है, ये भी जो है मूँगफली में फफूंद के कारण ही होता है। नेक्स्ट सोचिए, को सोचिए तो उसे यहाँ पर सुमेलित करना है। बाजरे में कौन सा रोग होता है, देखिए अरघट होता है, गेहूं में कौन सा होता है, करनाल बंट होता है, ठीक है, अरहर में काली झुलसा, और सोयाबीन में वांदता मोजैक। ठीक है, देखिए वांदता मोजैक अरहर में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, और यानी कि काली झुलसा किस में होता है, सोयाबीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3-4-1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, 50 नंबर। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, कथन है कि पायरिला परप्यूसिला गन्ने का एक जो है चूसक कीट है, जो कि अप्रैल और अक्टूबर तक सक्रिय रहता है, और इस कीट मतलब यह कीट जो है जैविक विधियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो देखिए पहला तो सही है, लेकिन इसका नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एग्रोसान जीएन का प्रयोग प्रायः किया जाता है किसमें, तो बीज उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए, पर्णी उपचार के लिए, या फिर पौधे के उपचार के लिए। तो यह बीज उपचार की एक विधि है, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट की, एग्रोसान जीएन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बीज उपचार की और भी विधियाँ होती हैं, उसमें से कौन कौन से मुख्य हैं, कैप्टन, ठीक है, और थायरम और जायरम, तो ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है खनिज मृदा में पूछा गया कितना है, तो खनिज मृदा में आप लोगों को बताया था सबसे पहले हमने आप लोगों को, तो कितना होता है ये 10 से 12:1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, जो नॉर्मल मृदा में होता है वो कितना होता है, 10:1 होता है, या आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है मृदा का प्राथमिक खनिज नहीं है, तो फिल्सपार, पायरॉक्सिन, डोलोमाइट, या फिर ओली विनस। तो देखिए डोलोमाइट नहीं होता, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए लवणयुक्त क्षारीय मृदा की विशेषता है, ऑप्शन है उच्च सोडियम एवं उच्च पीएन मान, या फिर उच्च कार्बोनेट, या उच्च जो विनियमन सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उच्च सोडियम और उच्च पीएन मान, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्षारीय मृदाओं में मतलब किसकी कमी होती है क्षारीय मृदाओं में, ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या फिर गंधक की। देखिए क्षारीय जो मृदाएं होती है उसमें फास्फोरस की कमी होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है। क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट जो होता है उसकी भी कमी होती है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है खनिज समूह में से कौन सा समूह पोटेशियम का मूल स्रोत है? ऑप्शन है डोलोमाइट, माइका, एपेटाइट, फेल्सपार या फिर ब्रायोलाइट और डायलोमाइट या फिर फेल्सपार या माइका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फेल्सपार और माइका, ये सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। पौधों में कैल्शियम की कमी का लक्षण सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है? तो देखिए यहाँ पे निचली पत्तियाँ, मध्य पत्तियाँ, शीर्ष कली पत्तियाँ या फिर सभी पत्तियाँ। तो कैल्शियम का जो कहाँ पे होता है? शीर्ष की पत्तियों पर जो होता है कैल्शियम की कमी का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें हम एक बार में इसमें देख लेते हैं कि इसका प्रभाव कहाँ पर दिखाई देता है। तो कैल्शियम और बोरान का प्रभाव जो है शीर्ष कली में दिखाई देता है, कैल्शियम और बोरान का प्रभाव। अगर यहाँ पर एनपीके की बात करें तो जो निचली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, एनपीके और मैग्नीशियम और कॉपर, तो ये निचली पत्तियों में। और मध्य पत्तियों की अगर बात करें तो मध्य पत्तियों में जिंक का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये आप लोग स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते नेक्स्ट है, अधिकतम लाभ होता है जब सीमांत लाभ अधिक हो या फिर सीमांत आय कम हो, सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो या फिर सीमांत लागत कम हो और सीमांत आय अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी नहीं, इसका हो जाएगा बी, जब सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो, ठीक है, तब अधिकतम लाभ होता है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जो संक कॉस्ट पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा निमग्न लागत भी कहते हैं? संक कॉस्ट यानी कि वह लागत जो मतलब कि जिसको लगाने से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि उतनी लागत तो लगनी ही है, तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटीज का मतलब कॉस्ट या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो, यानी कि इतना तो मिनिमम वैल्यू तो इतनी लगानी ही पड़ती है, उस पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जो है कृषि विपणन का प्रमुख संगठन कौन है? तो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन या फिर स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट या फिर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। यहाँ पर ये प्रजातियाँ हैं शिमला मिर्च की, कैप्सिकम एनम, तो बिल्कुल सही है। वर्ड पेपर की ये देखिए आप लोग सब देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बी है, यही मैचिंग नहीं है, बाकी सब मैच है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये भी देखिए, यहाँ पर मौसमी और मौसमी के बारे में बात की गई है, सिट्रस, यहाँ पर इनका नाम है सिट्रस, सिट्रस क्या बोलते हैं, सिट्रस सिनेंसिस, तो इसका ये सही है बिल्कुल। ठीक है, सौर ऑरेंज तो सिट्रस मार्टिफोलियो या फिर कागजी नींबू, सिट्रस अरेंटियो फोलिया या फिर तुरंज तो सिट्रस मेडिका। तो इसमें से जो गलत है उसको चूज करना है, तो यहाँ पर जो है सौर ऑरेंज जो है सिट्रस मार्टिफोलियो, यही रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है सिट्रिंज शंकर है किसका है, तो किसका किसको मिलाकर सिट्रिंज प्रजाति बनती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, तो ये आप लोग इन सबको नाम देख सकते हैं आप लोग। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अंबिका जो आम की जो वैरायटी होती है अंबिका, तो किससे बनती है? आम्रपाली जनार्दन पसंद या फिर आम्रपाली अल्फांसो, आम्रपाली लंगड़ा, आम्रपाली चौसा, तो ये आम्रपाली और जनार्दन पसंद से बनता है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर हम लोग देख लें कौन कौन सी प्रजाति किससे बनती है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मल्लिका जो आम की प्रजाति होती है मल्लिका, तो नीलम और दशहरी से बनती है। ठीक है, मल्लिका किससे बनती है? नीलम और दशहरी से। रत्ना होती है एक वैरायटी रत्ना, तो वो किससे बनती है? वो बनती है नीलम और अल्फांसो से। ठीक है, एक वैरायटी होती है सिंधु, तो वो किससे बनती है? वो बनती है रत्ना, रत्ना और अल्फांसो से, ये आप लोग याद रखिएगा। और आम्रपाली किससे बनती है? आम्रपाली बनती है दशहरी और नीलम से। नेक्स्ट है लहसुन किस कुल का है? तो एपीएसी लिलियसी या फिर एमेरी लिडेसी या फिर एलियसी, तो देखिए ये एमेरी लिडेसी का होता है, जो लहसुन और प्याज दोनों इसी में आते हैं। ठीक है, एपीएसी इसमें गाजर आती है और लिलियसी इसमें आप लोगों का क्या जाएगा? देखिए यहाँ पर लिलियसी में सतावर आएगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट,
नेक्स्ट है बैगन में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन जो रसायन होता है स्टाम्प, इसकी दर क्या होनी चाहिए? तो आधा केजी प्रति हेक्टेयर या फिर 1 केजी प्रति हेक्टेयर या फिर 1.5 केजी या फिर 2.5 केजी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, 1.5 केजी तो होना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, पपीते के बीज दर क्या होनी चाहिए? तो मतलब कितना होना चाहिए ये देख लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर ही हो जाती है काफ़ी। नेक्स्ट है, अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक, मैलिक, टार्टरिक या फिर फ्यूमेरिक एसिड। तो देखिए इसमें टार्टरिक एसिड होता है, यही अमरूद में भी और यही अंगूर में भी, दोनों आज से शुरू होता है तो दोनों को याद रखिएगा। मैलिक एसिड इस सेब में पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड नींबू वगैरह में, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें। बढ़ते नेक्स्ट है, स्प्राउटिंग ब्रोकली के बीज दर कितनी होती है? ऑप्शन है 150 से 250 ग्राम, 350 से 400 ग्राम। देखिए यहाँ पर इसका 350 से 400 ग्राम ही राइट आंसर है बी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, पपेन का सर्वाधिक उत्पादन किस आयु के फलों में होता है? ऑप्शन है तो 30 से 65 दिनों की आयु होनी चाहिए या फिर 70 से 110 दिन, 115 से 130 या फिर 140 से 150 मतलब 160 दिन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 110 दिन होना चाहिए। पेपिन, पेपिन ये होता क्या है, ये प्लांट का जो दूध होता है, ठीक है, ये वह है। तो सबसे जब प्लांट 70 से 110 दिन का हो जाता है तो सबसे ज़्यादा पेपेन निकलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है। यहाँ पे फल है, यहाँ पे किस्म है, तो पपीता, आंवला, केला या फिर नींबू। तो देखिए यहाँ पर इसको मैच करना है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो पपीता का कौन सा है, आर का सूर्या, ठीक है, आंवले का कौन सा होता है, लक्ष्मी 52, ठीक है, और केले का ग्रेड 9 और नींबू का परमालिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321 किसमें, डी नंबर में। बढ़ते नेक्स्ट, इसमें भी देखिए यहाँ पर सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है। यहाँ पर भी यहाँ पर फल है, यहाँ पर रोग हैं उनके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोयला में बनाना रोग होता है, सॉरी पनामा रोग होता है कोयले में, तो डी का पहला हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका पहले से मैच कर लो आप लोग, मिल जाएगा, ठीक है, बाकी आप लोग मैच कर लेना, यह सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्लाइमेट्रिक फसल कौन सी होती है? देखिए क्लाइमेट्रिक फसल और नॉन क्लाइमेट्रिक फसल। क्लाइमेट्रिक फसल वो होती हैं जिनको अगर आप लोग कच्चे तोड़ के रख दोगे तब भी बाद में पकते रहते हैं, जैसे पपीता वगैरह हो गए, आम वगैरह हो गए, केला वगैरह हो गए। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होती हैं उनको अगर जैसा तोड़ेंगे आप तो वो पकेंगे नहीं, वैसे ही बने रहते हैं। जो जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा वगैरह, तो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपीता, ठीक है, और अंजीर, अंगूर, फालसा, ये सब नॉन क्लाइमेटिक में आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, इंडोल एस्टिक एसिड, तो इसको IAA शॉर्टकट में बोलते हैं ये, और इंडोल ब्यूटोरिक एसिड IBA, दोनों होता है, ठीक है, तो इसका दो हो जाएगा दोनों। बढ़ते नेक्स्ट है, मैलिक हाइड्राजाइड 40% जो है जल मिश्रणी चूर्ण का जो है 200 PPM के मतलब जो 10 लीटर घोल के रसायन की आवश्यकता होगी, तो इसमें कितने ग्राम होगी मैलिक हाइड्राजाइड की आवश्यकता? यहाँ पर कितना होगा, 5 ग्राम होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो फल और सब्जी में जो पॉलीथीन का यूज किया जाता है तो उससे फल और उसकी भंडारण क्षमता जो है बढ़ जाती है, तो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, या फिर श्वसन दर की बढ़ोतरी के कारण, या फिर आर्द्रता के बढ़ोतरी के कारण, या फिर उपरोक्त सभी कारण, तो इसका उपरोक्त सभी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, नींबू वर्ग जो है बहुमूर्ता के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर नींबू वर्गीय जो इतने भी प्लांट होते हैं उनमें बहुमूर्ता पाई जाती है, तो देखिए इनमें जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुभूणी पौधे जो मात्र वृक्ष के समान होते हैं, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, सॉरी इसका ये हो गया, और बहुभूणी पौधे एक समान और ओजपूर्ण होते हैं, तो ये एक समान होते हैं, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें केवल पहला सही है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, केवल पहला सही है, बाकी सब इसके गलत हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो है, फूल गोभी में वेप्टल रोग, तो ये हमने आप लोगों को पहले बताया, तो किसके कारण होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से। फूल गोभी में जो ब्राउनिश रोग होता है तो वो किसके कारण होता है, बोरान की कमी से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम की कमी से।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से जो है पत्ता गोभी में पर परागण होता है? ऑप्शन है पुष्प संरचना, पोटेट्री, पोटोगेमी या फिर सॉप निषेचकता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें C3 प्लांट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इससे आसानी से कर सकते हैं, चौलाई जो होता है C4 प्लांट होता है, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब ये यहाँ पर समाप्त हो गया 80 क्वेश्चन। अब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।